हेलो एंड वेलकम बैक टू रीमेक्स वेंचर्स। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाला हूँ, डिजिटल मार्केटिंग का करियर कैसे चूज़ करना है। मैं जानता हूँ बहुत कन्फ्यूजन होती है हर फील्ड की तरह, जैसे हर फील्ड में कन्फ्यूजन होती है यार कैसे चूज़ करें, क्या हमारे लिए अच्छा साबित होगा या नहीं, या नुकसान ना हो जाए हमारा, या फिर हम इसमें आके फंस ना जाएँ। तो बहुत कन्फ्यूजन होती है और ये मैं बिल्कुल समझता हूँ, मैं रिलेट कर सकता हूँ आपसे यार, क्योंकि हम भी जब शुरू कर रहा था, मैंने भी जब शुरू किया था, बहुत कन्फ्यूजन्स थी कि क्या इसमें जाऊँ या नहीं। और मेरा तो बैकग्राउंड भी बहुत डिफरेंट है, मैं बहुत डिफरेंट बैकग्राउंड से इसमें आया था, तो मैं समझ सकता हूँ बहुत कन्फ्यूजन्स होती है जो भी शुरू कर रहे हैं या ऑलरेडी इसमें आ चुके हैं, फिर भी जानना चाहते हैं कि यार ये सही है या नहीं। तो ये वीडियो पूरी उन्हीं के लिए है, डिजिटल मार्केटिंग का करियर जो चूज़ कर रहे हैं या फिर आप आ चुके हो लेकिन जानना चाहते हो क्या एडवांटेजेस हैं, क्या इसका फ्यूचर होगा या नहीं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान है, क्या फ़ायदे हैं, ये दोनों चीज़ें मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। कोई फालतू की बात नहीं करूँगा और यार वीडियो में मैं ज़्यादा इतनी एडिटिंग नहीं करता, मैं बहुत ही कम ट्रांजिशन वगैरह, जूम इन जूम आउट ये सब नहीं होगा इस वीडियो में, मैं नहीं करता ये सब, मैं बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है मेरी, तो आपको अच्छी लगती है तो पूरी एंड तक देख लेना। और मैं जानता हूँ YouTube में भी इतना कुछ वीडियोस में आजकल भर चुका है कि लोग जेन्युइन कम देखना चाहते हैं और ट्रांजिशंस और जूम इन जूम आउट ये सब चीज़ें लगा लगा के बहुत ज़्यादा वीडियोस को वो बनाया जाता है, और वो सब मेरा नहीं होगा, यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा इस वीडियो में। तो अगर आप वो सब देखने आए ना यार, तो आप यहाँ से चले जाना, सॉरी ये वीडियो आपके लिए फिर नहीं है। मैं यहाँ पे ओरिजिनल कंटेंट अपने मुंह से मैं बोल के बता सकता हूँ, मैं एडिटिंग में इतना ज़्यादा टाइम नहीं गवा पाता हूँ, मैं आपको बस कंटेंट देना चाहता हूँ ताकि आप तक मैं पहुँच सकूँ। और मैं ये वीडियो बना भी इसलिए रहा हूँ क्योंकि यार मुझे 6 साल लगभग हो चुके हैं इस इंडस्ट्री में, तो आप समझ सकते हैं कि मुझे थोड़ा बहुत यार एक्सपीरियंस ऑब्वियसली हो गया होगा, इसीलिए मैं कुछ बोल रहा हूँ आपके सामने, और उसी एक्सपीरियंस से आपको मैं यहाँ पे फ़ायदे और नुकसान दोनों बताऊँगा। मैं बायस्ड नहीं रहता है कि मैं, मेरी फील्ड है तो मैं बायस्ड रहूँगा कि नहीं यार यही करो यही करो, ऐसा कुछ नहीं है यार, हर चीज़ समझनी ज़रूरी होती है, आपका करियर है और आपकी लाइफ है, तो हर चीज़ का बैलेंस बनाना ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं एडवांटेजेस से। तो यार पहला एडवांटेज है रिमोट वर्किंग। तो रिमोट वर्किंग इसलिए है, चाहे आप जॉब करते हो चाहे आप बिज़नेस में हो, तो जॉब भी कर रहे हो तो यार बहुत सारी कंपनीज़ रिमोट वर्क ऑफ़र कर रही हैं, या हो सकता है आप फ्रीलांस करके भी रिमोट वर्किंग कर सकते हो। मतलब ये है कि इस स्पेस के अंदर चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आप रिमोटली काम कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि ऑफिस से नहीं कर रहे लोग या फिर डिजिटल मार्केटिंग में ऑफिस नहीं बुला रहे, सब बुला भी रहे हैं, बहुत लोग बुला रहे हैं, 50% ऑफिस आज के टाइम पे खुले भी हैं, और लेकिन कोविड के बाद से और रिमोट वर्किंग का जो ट्रेंड बना था उससे रिमोट वर्किंग फिर भी बहुत बढ़ गई है इस इंडस्ट्री में, और ये मेरा जो मानना है वो चलती रहेगी रिमोट वर्किंग, क्योंकि ये इंडस्ट्री ही ऐसी है इसमें आपको ना ज़्यादा ऑफिस जाके आपको सिर्फ ट्रस्ट और क्रेडिबिलिटी बनानी है अपनी, उसके बाद आपको कोई बुलाने नहीं वाला, आपको ट्रस्ट से ही आपका सारा चलता है आप, क्योंकि इसमें कोई ऐसा वो नहीं है कि आपको ऑफिस जाना ही जाना पड़ेगा, आपको वहाँ से कुछ यूज़ करना पड़ेगा, आपने लैपटॉप उठाना है, इंटरनेट चाहिए, फ़ोन चाहिए, बस ख़त्म, आप कहीं से भी काम कर सकते हो। तो चांसेस आर हाई कि रिमोट वर्किंग इसमें पॉसिबल है, चाहे जॉब या बिजनेस, बिजनेस भी कर रहे हो, क्लाइंट्स का काम आप कहीं से भी कर सकते हो। दूसरा एडवांटेज मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। अब मल्टीपल इनकम स्ट्रीम को पहले ही क्लियर कर दूँ, मैं यहाँ पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पैसे बनाने के तरीकों की बात कर रहा हूँ अलग अलग, मैं कम या ज़्यादा पैसे बनाने की बात नहीं कर रहा, कम या ज़्यादा पे हम नेक्स्ट पॉइंट में बात करेंगे। तो मल्टीपल इनकम स्ट्रीम डिजिटल मार्केटिंग में सबसे ज़्यादा ऑप्शंस हैं कि आप एक काम करते हुए दूसरा काम भी कर सकते हो और उसको पैसिवली डेवलप करके शायद आप कल को ऑटोमेट कर दो और वो शायद चलता रहे। तो ये पॉसिबिलिटी डिजिटल मार्केटिंग में मैंने देखा है सबसे ज़्यादा हाई है। मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ नेटवर्क में जो IT में काम करते हैं, जो सेल्स में हैं, जो मतलब बहुत डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रीम्स में, अगर मैं सबको हटाऊं और सबको कंबाइन करके एक बार देखूं अनबायस्ड अप्रोच से, तो मेरे को लगता है डिजिटल मार्केटिंग में मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स की तरीके जो हैं वो ज़्यादा हैं, क्योंकि यार देखो इंसान तो एक ही है, अगर आपके पास टीम नहीं है, अगर आपको खुद ही करना है सब, तो इंसान आपके पास भी तो यार 10-12 घंटे ही निकलेंगे दिन में, इससे ज़्यादा तो नहीं करोगे, लाइफ का बैलेंस भी बनाना है। तो फिर उसको मैंने ध्यान में रखते हुए सोचा है, क्योंकि मैं खुद भी कर रहा हूँ, तो मेरे को लगता है कि जैसे आप मान लो अगर जॉब भी कर रहे हो, जॉब में आपने 8 घंटे दिए, फिर आपने हो सकता है 2-3 घंटे का कोई क्लाइंट पकड़ा हुआ है, तो आप मल्टीपल इनकम स्ट्रीम डेवलप कर सकते हो, या फिर आप फ्रीलांस करते हो साथ में, या फिर आप बिजनेस ही कर रहे हो, क्लाइंट्स का काम करते हो और मल्टीपल आपने क्लाइंट बना रखे हैं, आप सबको 3-4 घंटे देते हो, तो इस तरीके से मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स फिर भी बन सकती हैं। या फिर आप हो सकता है सोशल मीडिया ही अपना डेवलप कर लो, जैसे आप मान लो जॉब भी कर रहे हो या फिर आपने बिजनेस करते हो, क्लाइंट्स का हैंडल करते हो, और फिर आपने अपना भी सोशल मीडिया, पर्सनल सोशल मीडिया डेवलप कर लिया, जैसे यूट्यूब चैनल बना लिया या फिर इंस्टाग्राम बना लिया, जैसे आपको पता ही है। तो ये सब चीज़ों की पॉसिबिलिटी भी डिजिटल मार्केटिंग में ही ज़्यादा है। आसान नहीं है 100%, ऑब्वियसली ये मैं समझता हूँ, बट मैं कर रहा हूँ और लोग भी कर रहे हैं,
तो पॉसिबल है, आसान नहीं है लेकिन पॉसिबल है, 100% गारंटीड, और आप पैसिव इनकम डेवलप कर सकते हो। अब थर्ड एडवांटेज कहूँ या डिसएडवांटेज मुझे नहीं पता, इसको हम बीच में रख रहा हूँ, मैंने इसलिए पॉइंट बीच में रखा है, इनकम, इनकम हाई है या लो है। तो यार इनकम ना एडवांटेज भी नहीं है, डिसएडवांटेज भी नहीं है, किसी के लिए एडवांटेज हो सकता है, किसी के लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, क्योंकि अगर आप हाईली स्किल्ड हैं तो आप ग्रेजुअली अच्छा पैसा कमा पाएंगे, ये मैं फॉर श्योर आपको कह सकता हूँ, मैं खुद भी कमा रहा हूँ तो ये गारंटेड है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, मैं जानता हूँ लोगों को अच्छा पैसा अर्न कर सकते हो आप, तो 3-4 साल में अगर मैं आपको एक नंबर ही दे दूँ तो आप 1 लाख तक तो पहुँच जाओगे 3-4 साल 5 साल में एटलीस्ट। बट अगर आप सोचते हो कि यार मैं नॉर्मल एवरेज करता रहूँ काम और मैं कमा भी ज़्यादा लूँगा, तो यार आप फिर वही 40-50 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाओगे, आप 2x नहीं कर पाओगे अपनी इनकम को। तो अब आप समझ लो कि अब आपके लिए एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, क्योंकि यार एडवांटेज बनाना है ना आपको इस चीज़ को अपनी, तो स्किल्स जैसे हर इंडस्ट्री में चाहिए होती हैं इसमें भी चाहिए होती हैं, कम्युनिकेशन की, प्रेजेंटेशन की, एनालिटिकल जो सबसे ज़्यादा मेन है, क्योंकि लोग सिर्फ एक ही चीज़ करते रहते हैं, वो एनालिटिक्स को भूल ही जाते हैं, क्योंकि आपको रिपोर्टिंग भी करनी आनी चाहिए, सब कुछ आना चाहिए। तो चाहे आपका बिजनेस हो तब भी रिपोर्टिंग चाहिए, चाहे आप जॉब करो तब भी रिपोर्टिंग चाहिए, तो एनालिटिकल स्किल्स के तो आपको काम करना ही पड़ेगा, टूल्स हैं ये बहुत चीज़ें हैं वो सीखनी पड़ेंगी। तो बहुत सारी अगर आप चीज़ें कर रहे हैं, हाईली स्किल्ड हैं, तो आप ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, आपके लिए फिर ये एडवांटेज है। लेकिन अगर मैं डिसएडवांटेज में काउंट करूँगा तो रियलिटी इंडिया में यही है कि फ्रेशर अगर स्टार्ट कर रहा है तो 20,000 से ज़्यादा की वो एक्सपेक्टेशन ना रखे, क्योंकि यहाँ पे इतना पैसा इतना नहीं है, अभी पेनिट्रेशन हुई है कोविड के आने से इंटरनेट की, लेकिन फिर भी अभी टाइम लगेगा इस स्पेस में बहुत पैसे का इन्फ्लो आने में, फ्रेशर्स को कम पैसा ही मिलता है, 20,000 से ही शुरू होता है, रियलिटी है 15,000 भी लेते हैं, 12,000 भी मिलते हैं लोगों को। तो जी हाँ, ये डिसएडवांटेज भी है कि डिजिटल मार्केटिंग में पैसा स्टार्टिंग में बहुत कम है, स्किल्स बढ़ा लोगे तो बढ़ जाएगा, तो ये डिसएडवांटेज में आ गया। और फिर वो हाईली स्किल्ड हो, सब कुछ कर रहे हो, तो आपके लिए एडवांटेज बन जाएगी। तो चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चौथे पे, और वो है इंडस्ट्री की सस्टेनेबिलिटी। तो इंडस्ट्री सस्टेनेबिलिटी का मतलब ये है कि इंडस्ट्री ने ये डिजिटल मार्केटिंग की सस्टेन करेगी, लंबे टाइम तक रुकेगी रहेगी, ये नहीं आज आई कल चलती बनी, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि जब तक ब्रांड्स हैं, जब तक स्टार्टअप कल्चर चलता रहेगा, जब तक नई कंपनीज आती रहेंगी, जब तक लोगों के प्रोडक्ट बनते रहेंगे, तब तक मार्केटिंग की तो नीड पड़ेगी, और मार्केटिंग के अंदर डिजिटल की इसलिए नीड पड़ेगी क्योंकि ट्रेडिशनल मेथड्स पे पैसा बहुत ज़्यादा लगता है और ट्रैकिंग नहीं हो पाती है। ये मैं पहले भी कवर कर चुका हूँ, वीडियोज़ में देख सकते हैं आप जाके कि क्या फ़ायदे हैं डिजिटल मार्केटिंग के। तो डिजिटल मीडियम्स से ही एडवर्टाइज करेंगे सारे ब्रांड्स, सारे स्टार्टअप, सारे प्रोडक्ट्स, सारे सर्विसेज, तो ऑब्वियसली ये मार्केट जो है, ये इंडस्ट्री जो है सस्टेन करेगी, आपके लिए काम बनता रहेगा, आता रहेगा, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर चाहे आप बिजनेस कर रहे हैं या चाहे आप फ्रीलांसर्स हैं। पर हाँ, कंपटीशन है, और ये मैं अच्छे से मानता हूँ, इसी वजह से कंपटीशन है क्योंकि सब ने डिजिटल के अंदर ये पोटेंशियल रियलाइज़ किया, तो फटाफट से जो है भीड़ बहुत ज़्यादा आ गई। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट पे, डिसएडवांटेजेस। तो अगर आप यहाँ तक बने हैं और आपको अच्छी लग रही है इन्फॉर्मेशन, तो प्लीज़ लाइक कर देना, मोटिवेशन मिलती है यार मुझे। मैं जानता हूँ एडिटिंग नहीं है इतनी ज़्यादा वीडियो में, सीधा मुंह से, दिल से जो निकल रहा है आपके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद काम करता हूँ। तो अच्छी लग रही वीडियो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना बटन को नीचे दिए गए, और मेरे साथ बने रहो प्लीज़। मैंने देखा है कि आप कमेंट नहीं करते, तो कमेंट जरूर करके बताना कि मेरे को वीडियो कैसी लगी। तो नेक्स्ट अब डिसएडवांटेजेस पे चलते हैं। अगर आपको क्या नुकसान है डिजिटल मार्केटिंग का, मैं बिना बायसिंग के, मैं खुद करता हूँ यार मार्केटिंग, मैं तो, मुझे तो फ़ायदे गिनवाने चाहिए, पर मैं आपको पूरी रियलिटी दिखाना चाहता हूँ। तो यार पहला और बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर आप रिलैक्स नहीं कर सकते, देर इज़ नो रिलैक्सेशन, कम्फर्ट जोन में आप नहीं आ सकते। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं एक चीज़ सीख लूँगा, एक चीज़ ही करता रहूँगा, कम्फर्टली आराम से एक चीज़ सीख ली, SEO सीख लिया, अब SEO मैं सालों तक डिलीवर करता रहूँगा, एक ही जैसा रहेगा, करता रहूँगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस इंडस्ट्री के अंदर कम्फर्ट नाम की चीज़ नहीं होती, चीज़ें पल पल में बदल रही हैं, आजकल कॉम्पिटिटिव स्पेस है, इतनी चीज़ें पल पल में बदल रही है, टेक्नोलॉजी पल पल में बदल रही है। अभी देखो, आपने जैसे देखा होगा वो ChatGPT आया, फिर गूगल का बार्ड आ रहा है, तो ये ऑटोमेटिक टूल्स आ रहे हैं, इतने AI के टूल्स भरते जा रहे हैं, या और भी इतने टूल्स हैं एनालिटिक्स वगैरह के, तो बहुत चीज़ें चेंज होती हैं और आपको वो सीखनी पड़ती हैं, आपको ऑन टोज रहना पड़ता है। आप ऐसा नहीं कि छोड़ के सालों तक रिलैक्स होकर आराम से काम कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो
अभी जैसे एग्जांपल दूं तो जैसे अगर आप गूगल एनालिटिक्स को जानते हैं तो उसके अंदर यूनिवर्सल एनालिटिक्स चलता था अभी तक, और वो अब बंद ही होने वाला है और GA4 आ गया है, तो अब आपको GA4 सीखना पड़ेगा, वरना कैसे करोगे? इंडस्ट्री में तो टिके रहना है ना, तो वो आपको चीज़ें सीखती रहनी पड़ेंगी। नो कम्फर्ट जोन, नो रिलैक्सेशन, हर दम हर पल सीखते रहो, प्रैक्टिकली करते रहो। सेकेंड बड़ा डिसएडवांटेज जो आप लोग ऑलरेडी जानते भी होंगे अब तक, कि हाईली कॉम्पिटिटिव स्पेस। तो जब यार कंपटीशन किसी चीज़ में ज़्यादा होता है तो उस चीज़ में ऑब्वियसली एक रेस लग जाती है आगे पहुंचने की, जो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं वो भी थोड़ी कम हो जाती हैं। पर अगर आप स्किल्ड होंगे अच्छे से और आपने सब कुछ लाइन बाय लाइन आप करते जा रहे हैं, आप कंफर्ट में नहीं बैठे, तो आपका बढ़ने का चांस पूरा है, मना नहीं कर रहा। पर कॉम्पिटिटिव तो है यार स्पेस। देखो इंटरनेट की पेनिट्रेशन कोविड के बाद और हो गई थी, पहले जियो के बाद हुई, फिर कोविड में भी हुई। तो इंटरनेट जैसे जैसे पेनिट्रेट हो रहा है, लोगों को डिजिटल की समझ आ रही है, और डिजिटल की समझ आ रही है तो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं। दूसरा रीज़न ये भी है इस फील्ड में आने का, क्योंकि लोगों के शायद पैसे कम लगते हैं किसी भी कोर्स से। आप कोई कोर्स करते हो बाहर से आज तो 50,000 100,000 के भी, अब तो खैर डिजिटल मार्केटिंग के भी इतने कोर्स हो गए हैं, पर फ्री में आप सीख सकते हो। जिसको पता है उसको पता है कि जैसे मैं सिखाता हूँ, मैं फ्री में सिखाता हूँ, मैं कोई कोर्स नहीं बेच रहा, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में अवेलेबल है। SEO का पूरा कोर्स मेरे YouTube चैनल पे अवेलेबल है, आप जाके देख भी सकते हैं, मैं आई बटन दे दूंगा। तो जो फ्री में अवेलेबल होती है चीज़, उसमें ऑब्वियसली लोगों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है कि सब आ जाते हैं, क्योंकि सीखना ईजी है, पैसा खर्च नहीं होगा, तो लोग करना शुरू कर देते हैं। तो कॉम्पिटिटिव तो है। तीसरे डिसएडवांटेज पे चलते हैं, जो कि है एवरेज एफर्ट विल नॉट पे यू वेल। मतलब कहने का है कि एवरेज एफर्ट करते रहोगे तो आपकी इनकम या सैलरी, या आप बिजनेस भी कर रहे हो तो ग्रोथ नहीं होगी, और बहुत ही आप मामूली कमा पाओगे सालों तक भी। तो अगर मैं एग्जांपल दूं तो आप 3-4 साल बाद भी फिर वही 40-50,000, जैसे मैंने अभी वीडियो में पहले भी बताया कि आप उतना ही कमा रहे होगे, उससे ज़्यादा कि आप इच्छा मत करना अगर आप एवरेज एफर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर आप पूरा, यार देखो कॉम्पिटिटिव स्पेस है मैंने बोला अभी, और कॉम्पिटिटिव जहाँ पे भी स्पेस होती है ना, तो आप एवरेज से ऊपर एफर्ट करोगे तभी कहीं आप फाड़ के निकल सकते हो। बिल्कुल मानते हो ना इस चीज़ को? तो यही चीज़ होती है, जब आप कॉम्पिटिशन में होते हो तो आपको एवरेज एफर्ट नहीं काम आता है। कमाना है, अच्छा कमाना है तो यार लिख के रख लो, आपको हर दम हर पल कुछ साल तक तो लगे रहना पड़ेगा, अपने आपको घिसना पड़ेगा और हर चीज़ पे वर्क करना पड़ेगा। जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियोज़ में, शॉर्ट्स में भी बताता रहता हूँ मैं कितनी बार। तो ये चीज़ है, एफर्ट्स पूरे लगाओ और करते रहो। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मैंने पूरे यही हैं इसके मेन और क्लियर भी कर दिए हैं। अब मैं होप करता हूँ कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, शायद करियर ऑप्शन आपको ये चूज़ करना चाहिए अगर आप अभी शुरू कर रहे हैं, या फिर आप इसमें हैं तो आप अपने लिए बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाएँ, यही मेरी आशा है। और यही मेरा मैं आपके लिए बेस्ट विश करता हूँ कि आप सही से अपने लिए आगे रास्ता बना पाएँ। तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, हमेशा बने रहो, इसी तरीके की वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा और पूरे दिल से आपके लिए मैं बनाता रहूँगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़ चैनल को, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, मैं हूँ युवराज, ड्रीम एक्सपेंचर्स साइनिंग ऑफ।